हेलो एवरीवन, टीएस रहमान ने जीपी रेटिंग का फॉर्म निकाल दिया है 2022 जनवरी बैच के लिए। तो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं इसका हमें फॉर्म कैसे फिल करना है। तो हम टीएस रहमान की वेबसाइट पर आ जाएंगे। इसके बाद हमें प्रीसी कोर्स बुकिंग एडमिशंस वाले सेक्शन में जाना है। इसके बाद यहाँ पर आएगा प्रीसी ट्रेनिंग कोर्स फॉर जनरल पर्पस जीपी रेटिंग। इसका रजिस्ट्रेशन 31 अगस्त से स्टार्ट हो गया है और इसका रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट है 23 सितंबर, और इसका बैच शुरू होगा 1 जनवरी 2022 को। तो चलिए अप्लाई पर क्लिक करेंगे। इसका फॉर्म फीस है 700। आपको इसमें पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ अपलोड करना होगा और इसकी क्वालिफ़िकेशन बताइए, 10th पास होने चाहिए, 40% मार्क्स होने चाहिए आपके, साइंस मैथमेटिक्स आपके सब्जेक्ट होने चाहिए क्लास 10 में, और क्लास 10 में 40% मार्क्स होने चाहिए इंग्लिश में, और अगर आपने 2 ईयर्स का ITI कोर्स किया है गवर्नमेंट से, अगर वो अप्रूव्ड है, अगर आपके 50% एग्रीगेट मार्क्स हैं फाइनल ईयर में, तभी भी आप अप्लाई कर सकते हैं। और इस केस में 40% मार्क्स होने चाहिए इंग्लिश में क्लास 10 में। और इसमें नोट है, कैंडिडेट मस्ट हैव पास्ड द 10th स्टैंडर्ड फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, यानी कि अगर आप स्टेट बोर्ड से हैं या फिर कि अगर आप सेंट्रल बोर्ड से हैं तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। इसमें लिखा है अगर आप पार्ट टाइम और डिस्टेंस लर्निंग से अगर आप क्लास 10 किए हैं, यानी कि अगर आप ओपन बोर्ड से किए हैं, तो आप एलिजिबल नहीं हैं इस फॉर्म को फिल करने के लिए। और इसमें मैक्सिमम एज अप्लाई करने की है 25 ईयर्स, और मिनिमम एज 17.5 ईयर्स होनी चाहिए ऑन द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ कोर्स, यानी कि इस डेट से कैलकुलेट किया जाएगा। और 5 ईयर्स की एज रिलैक्सेशन दी जाएगी SC और ST कैंडिडेट को, और 3 ईयर्स की रिलैक्सेशन मिलेगी अदर बैकवर्ड क्लास OBC को। अगर आपके पास अभी इंडियन पासपोर्ट नहीं है तो चलेगा, पर जब आप डॉक्यूमेंट्स एंड पेमेंट सेंड करेंगे TS रहमान को, तब आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए। तो अगर आपके पास है नहीं तो आप अप्लाई कर लेना, और डेट ऑफ एंट्रेंस एग्ज़ाम ये आपको मेल कर देंगे। और अगर आपने कोर्स की फ़ीस दे दी है तो ये रिफ़ंड नहीं होगा किसी भी केस में। आई एक्सेप्ट पर क्लिक करेंगे। फिर इसके बाद हम यहाँ पर क्लिक कर अपना फ़ोटोग्राफ अपलोड करेंगे। फिर इसके बाद अपना सैल्यूटेशन चूज़ करेंगे। इसके बाद यहाँ पर अपना फर्स्ट नेम लिखेंगे, अगर आपका कोई मिडल नेम है तो मिडल नेम भी लिखेंगे, और अगर कोई लास्ट नेम है तो लास्ट नेम भी लिखेंगे। इसके बाद डेट ऑफ बर्थ चूज़ करेंगे यहाँ से। फिर इसके बाद हम यहाँ पर अपना प्लेस ऑफ बर्थ लिखेंगे। जिस फील्ड पर रेड स्टार लगे हैं आपको फिल करना मैंडेटरी है, और जिस पर नहीं लगा है आप इसे लीव भी कर सकते हैं। फिर इसके बाद हम अपना Gmail ID लिखेंगे और मोबाइल नंबर लिखेंगे। फिर इसके बाद हम अपना हाईएस्ट क्वालिफिकेशन सिलेक्ट करेंगे और अपना रिलीजन चूज़ करेंगे, कास्ट सिलेक्ट करेंगे, अगर आप जर्नल हैं तो ओपन सिलेक्ट करेंगे, और सब कास्ट लिखेंगे, लास्ट स्कूल अटेंडेड, और इंडोस नंबर तो होगा नहीं अपने पास तो उसे लीव कर देंगे और नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। फिर इसके बाद हमें अपना बेसिक डिटेल्स डालना होगा। इसमें हम यहाँ पर अपना फादर्स का नेम लिखेंगे, फादर का ऑक्यूपेशन लिखेंगे, मदर्स नेम लिखेंगे, पेरेंट्स का एनुअल इनकम लिखेंगे, और अगर आपके पास पासपोर्ट है तो पासपोर्ट नंबर लिखेंगे, आइडेंटिफिकेशन मार्क लिखेंगे, और हाइट इन सेंटीमीटर्स लिखेंगे यहाँ पर, और वेट इन केजीस। फिर अपना शर्ट साइज सेलेक्ट करेंगे, और फिर अपना पैंट साइज सेलेक्ट करेंगे, और फिर अपना शू साइज सेलेक्ट करेंगे, और फिर प्रेफर्ड मील्स पर सेलेक्ट करेंगे, और फिर नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। फिर इसके बाद हम अपना एड्रेस डालेंगे, यहाँ पर फुल एड्रेस डालेंगे, और कंट्री सेलेक्ट करेंगे, और अपना स्टेट चूज़ करेंगे। फिर इसके बाद सिटी चूज़ करेंगे। अगर आपका सिटी यहाँ पर नहीं आ रहा है तो आप कुछ ना सेलेक्ट करें, आप इसे ब्लैंक छोड़ दें, और फिर इसके बाद पिन कोड डालेंगे, डिस्ट्रिक्ट लिखेंगे, नेशनैलिटी लिखेंगे, फिर से अपना कॉन्टैक्ट नंबर लिखेंगे, और फादर्स का ईमेल ID लिखेंगे, और अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस सेम है तो उस पर टिक कर देंगे, और फिर इसके बाद गार्जियन का एड्रेस डालेंगे, अगर उनका भी एड्रेस सेम है तो सेम है सब पर टिक करेंगे, और फिर नेक्स्ट कर देंगे।
फिर इसके बाद हम यहाँ पर अपना एकेडमिक डिटेल्स डालेंगे, एसएससी यानी कि क्लास 10 का स्कूल नेम लिखेंगे, बोर्ड नेम लिखेंगे और पासिंग ईयर लिखेंगे, फिर इसके बाद मार्क्स ऑब्टेन और फिर आउट ऑफ मार्क्स, फिर नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स और फिर इसके बाद परसेंटेज और इंग्लिश की परसेंटेज और फिर यहाँ पर मैथमेटिक्स के परसेंटेज और साइंस के परसेंटेज। फिर इसके बाद अगर आपने क्लास 12 किया है तो क्लास 12 के भी ऐसी डिटेल्स डालेंगे, या अगर आपने कोई डिप्लोमा या ग्रेजुएशन किया है तो उसके भी ऐसे मार्क्स लिखेंगे, स्कूल नेम लिखेंगे, पासिंग ईयर और ये सब। और फिर इसके बाद रजिस्टर एंड पे पर क्लिक करेंगे और फिर इसके बाद आपको 700 का पेमेंट करना होगा। मेक पेमेंट पर क्लिक करेंगे और इसके बाद 700 का आपको पेमेंट करना होगा। आपका जब भी एग्ज़ाम होगा ये लोग आपको मेल पर बता देंगे। अगर आप मर्चेंट नेवी एस्पिरेंट है तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। अगर आपको जीपी रेटिंग करना है और अगर आपको पता नहीं है कि ये कोर्स हमें कहाँ से करना चाहिए, किस कॉलेज से करना चाहिए ताकि हमें प्लेसमेंट की गारंटी मिले, तो ये लेफ्ट वाली वीडियो ज़रूर देख लेना और मैंने इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।